हेलो बच्चों, आज का सेशन थोड़ा सा प्रीवियस सेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चे। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्या, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। थोड़ा सा पिछला जो चीज़ें हमने पढ़ा जाना उसका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाइड है, रेस्ट ऑफ सारे प्रोसेस थोड़ा सा आपको नए मिलेंगे क्योंकि डायपोल सीख रहे हो। डायपोल के प्रॉपर्टीज़ आपको जानेंगे जाननी होगी, कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डायपोल थिंक डायपोल, यू नो डायपोल मीन्स you can see that dia plus pole, that's mean if two poles are joined to each other। मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो पोल, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, पोलैरिटी तभी बनेगी जब वो ऑपोजिट नेचर रखे अपने साथ, माइनस प्लस, दो एक मतलब ये दोनों के एक प्लस और एक माइनस के टर्म्स में, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, आर सेपरेटेड एट द सेम पोजिशन फ्रॉम ओरिजिन। लेट्स सी, separated at the same position from origin, this whole arrangement is known as electric dipole। electric क्यों बोला गया, because charge present है। अगर यहीं पर magnetic pole strength होती तो उसे हम लोग क्या बोल देते, magnetic dipole। आगे पढ़ोगे आप लोग, खैर वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप यहाँ सीख रहे हो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे ही आपको मैग्नेटिज्म में मिलेगी मेरे बच्चे। तो एक एक बात को आपको पकड़ के चलना है थोड़ा सा। तो मैंने आपसे ये बोला, क्या बोला, कि द अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charge separated at same distance from origin। सिंपल, दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल। याद रहे, फिर से मैं बोल दे रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि व्हाट इज डायपोल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डायपोल है क्या मेरे बच्चे, तो सिंपल सी एक लाइन में एक बात आप लोग हमेशा अपने दिल दिमाग में बैठाए रखना, क्या, कि द कॉम्बिनेशन या द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट, विच इज नोन एज पेयर ऑल्सो, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है जहां भी इनका कॉम्बिनेशन होगा वो सेम डिस्टेंस पर होनी चाहिए, जितना ये उतना ये, ओके लेकिन अगर हम बात करें कि इसका कह सकते हो कि इसको सिग्निफाई कैसे किया जाता है, तो डायपोल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड या डायपोल ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स डायपोल मोमेंट एंड इट्स लोकेशन ऑल्सो। क्योंकि डायपोल की एग्जिस्टेंस तभी तक होती है हमारी लाइफ में जब हम डायपोल मोमेंट को भी समझते रहे, क्योंकि वो डिफाइन करता है व्हाट इज डायपोल, डायपोल है कैसा, डायपोल की नेचर कैसे हैं, बिना डायपोल मोमेंट के पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये छोटा सा एक डिस्कस करें मेरा बच्चा, क्या डायपोल मोमेंट, अगर हम लोग बात करें डायपोल मोमेंट की मेरे बेटे, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल ध्यान से देखना, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी,
पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मतलब इन दोनों में से इधर चार्ज चार्ज एंड वेक्टर पोजीशन, टू इंटू वेक्टर पोजीशन, वेक्टर सेपरेशन, ये भी कह सकते हो वेक्टर सेपरेशन बिटवीन टू, अभी रहने दो क्योंकि आप पूरा वर्ड से एक साथ लिख दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू इधर चार्ज क्यू, टोटल सेपरेशन टू वेक्टर सेपरेशन, मतलब दिस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, लाइक दिस। ठीक, सिंपल। लेकिन वन थिंग मोर, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। याद रहे ये, नोट में कहीं आप लिख लेना क्या कि डायरेक्शन ऑफ, बार बार बोल रहा हूँ, एक नहीं कईयों बार रिपीट करूंगा, इसलिए ये बात को एकदम पॉइंट करके कहीं नोट कर लेना कि डायरेक्शन ऑफ पी, पी डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। लिसन केयरफुली मेरे बच्चा, ये चीज दिल दिमाग पे एकदम बैठाए रखना। ठीक, कहते हैं सर कुछ डायपोल के एग्जांपल बता दीजिए, कुछ एग्जांपल सीख लो। सिंपल, क्या एग्जांपल है मेरे बच्चा, बहुत सिंपल, H2SCl C2H5OH, ठीक, CH3COOH, ठीक, एक्सेट्रा। याद रहे कि जो मॉलिक्यूल्स, आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स कह सकते हो जो डायपोलिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके पॉजिटिव चार्ज, वर्ड सुनना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, काम की बात है, वर्ड सुनना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल ओवर सेंटर ऑफ, ओवर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डायपोल। याद रहे ये चीज दिमाग पर रखना कि जब पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे HCl है, अब ऐसे समझो कि H प्लस Cl माइनस, कहते हैं इनके डायपोलिक नेचर ये इस वजह से होते हैं बिकॉज इनका जो कह सकते हो इसका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, दिस कहते हैं इसके उप, इसके जस्ट डायरेक्ट कोइंसाइडेड सेंटर पे कोलैप्स नहीं करता या कह सकते हो फॉल नहीं कर सकता फ्रीली, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग डायपोलिक नेचर रखते हैं, जो अगर कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं तो थोड़ा सा डायपोल की टेंडेंसी से बदल जाते हैं, क्योंकि कह सकते हो ऐसा इस वजह से भी होता है, इसके कई एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल डिवाइड होगा वो अपने पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में, तो वो कभी भी एक से उनके जो सेंटर ऑफ मास है वो एक साथ फ्री फॉल नहीं करेंगे पॉजिटिव का नेगेटिव पर या नेगेटिव का पॉजिटिव पर, राइट। ठीक है, तो इज इट क्लियर, ओके, थैंक यू। रब करो बेटा, नोट कर लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट नोट हुआ, दूसरा उधर, मतलब एक ये था, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका ये था, वो इसका एग्जांपल था डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, नोट कर लो, नोट कर लो, तो फिर मैं एक दो केसेस और हैं इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसको मैं बता दूं, ओके, फाइन।
सी मेरा बेटा, अगला नोट, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से सीखना क्योंकि बड़े काम की चीज है मेरा बच्चा। लेट्स सी, पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे कहूं दिस वन इज माइनस क्यू, दिस वन इज प्लस क्यू, राइट, दिस वन इज ओरिजिन, ओके, दिस सेपरेशन इज ए, दिस वन इज ऑल्सो ए, टोटल डिस्टेंस 2a, ओके फाइन। इफ आई एम सेइंग दैट ए एंड बी और माइनस क्यू और प्लस क्यू बिकम क्लोजर टू ईच अदर, अगर मान के चलो मैं आपसे कह दूं ये आपस में बहुत क्लोजर हो रहे हैं, बहुत करीब आ जा रहे हैं, बहुत करीब, मैं आप ये कह सकते हो क्या सर, मैं ये कह सकता हूं दे आर क्लोजर टू ओरिजिन, एग्जैक्टली। तो अगर मैं कह दूं इफ बोथ चार्जेस आर क्लोजर टू ईच अदर, closer to each other, then सोच मेरा बेटा, अगर मैंने कहा ये बहुत करीब हो गए, काफी पास आ गए, तो सोचो मेरे बेटे होगा क्या, मैं कह सकता हूं 2a approximately equal to 0, negligible होगा मेरे बच्चे, जब ये negligible होगा then p is equal to q into 2a, this one is 0, वट इज क्यू पी बाई टू ए, पी बाई जीरो बिकम इन्फिनिटी, मीन्स क्यू इन्फिनिटी होगा, कहते हैं मेरे बच्चे कंडीशन ये हुई कि अगर मैं आपसे कहूं कि इनकेस अगर ऐसा होता है, सॉरी अगर ऐसा होता है 2a approximately equal to 0, दैट्स देन वी फाइंड क्यू बिकम इन्फाइनेट, याद रहे ऐसे टैपोल मोमेंट या कह सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इतने लीस्ट डिस्टेंस पर रखे रहते हैं और इस तरीके से डायपोलिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, सच डायपोल्स आर नोन एज आइडियल डायपोल, सच डायपोल्स आर नोन एज आइडियल डायपोल, और एक और इसे नाम दिया जाता है पॉइंट डायपोल, व्हाट, पॉइंट डायपोल, राइट, सिंपल, सो सिंपल, ओके, नोट कर लो इसे, अगला पॉइंट, ठीक है मेरे बेटा, चलो केस नंबर 1, सी मेरा बेटा, फर्स्ट केस। अच्छा सबसे पहले मैं सभी बच्चों को एक बात कहूंगा कि प्लीज आप कंटिन्यूटी थोड़ी सी बनाए रखना, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आप को तभी क्लियर होंगे जब आपको बैक टू बैक आपकी क्लासेस कंटिन्यूसली हुई हो और आप उस चीज़ों को देख रहे हो, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर बाय द वे आपसे कहीं डाउट होता है तो आप क्वेरीज भी कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखनी होगी, ठीक है। तो सभी से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिए, पेन कॉपी लेके बैठे रखिए, छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर नोट करिए, ठीक है। केस नंबर 1, अभी आपको मैं जितनी ये आज के जो 3 केसेस मैं कराने जा रहा हूँ, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब हम इस पर बड़े बड़े इलस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको बड़े फायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली और रेगुलरली जरूर बनाए रखिए। केस नंबर 1 क्या है मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल लाइन, पहला केस है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल लाइन, ओके लेट्स सी। सपोज करो मेरे पास, मैंने कहा 2 चार्ज, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना मेरा बच्चा, बहुत आसानी से समझने की जरूरत है बस थोड़ा सा, ये डायपोल की ओरिजिन, डायपोल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस, ओके
अगर मैं आपसे कहूं इनके बीच का सेपरेशन वैसे जनरली कितना मानता था मैं, ए, इसको भी मान लिया कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस इसे पॉइंट मान लो ए, बी, सी मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, मुझे डी पर, डी पॉइंट पर वी वांट टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस एट डी। इन दोनों चार्जेस और डी टू डायपोल की वजह से मुझे डी पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन, मान के चलो इस डायपोल और इस ओरिजिन से इसकी सेपरेशन थी, कुछ भी मान लेते हैं अपन एक्स, क्या मान लिया एक्स। ओके, इफ दिस डिस्टेंस इज एक्स, व्हाट इज दिस, यू सिंपली से सर एक्स माइनस ए, व्हाट इज दिस सर, यू अगेन सिंपली से एक्स प्लस ए, एनी डाउट, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज ए, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस ए, दिस वन इज ए, सॉरी दिस वन इज ए, दिस वन इज एक्स, तो दिस वन इज एक्स माइनस ए। ओके फाइन, अब अगर मैं आपसे कहूं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप कहोगे सर डायरेक्टेड आउटवर्ड, मतलब ई प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर होगी। क्यों उधर की होगी, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है सर, आउटवर्ड होगा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज, इससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप कहोगे सर सिंपली ये इधर की ओर होगा। ओके फाइन, क्या इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, हाँ एग्जैक्टली है। तो अगर मैं आपसे कहूं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डी, सिंपल, तो ई प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, तो आपने सिंपली कहा सर के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए, और दिस वन इज वेक्टर, तो पी कैप यूनिट वेक्टर ले लिया। ओके ओके, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट डी अगेन माइनस क्यू की के क्यू बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर अगेन पी क्या। ओके फाइन, सुपरपोजिशन लगाते हैं इस पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसका साइन नेगेटिव ले सकते हैं, डायरेक्शन ले रहे हैं तो नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, ओके, ई एक्सियल जिसे हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने उठा गया, ऐड कर लिया, सिंपल, वेरी इजी। ओके फाइन मेरा बेटा, अगर मैं यही दोनों वैल्यू यहां पे रखूं, ई एक्सियल, यू कैन सिंपली से दैट कि सर के क्यू एंड वेक्टर पी, यूनिट वेक्टर पी, ये दोनों में है, तो क्या यहां रखते समय मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं, के क्यू कॉमन ले लूं, अच्छा वेरी गुड, समझदार हो आप लोग, वेरी गुड। देखो इन सिंपली एलएचएस एलएचएस में ऐड करूंगा, मतलब ये वैल्यू इंडिविजुअली अगर यहां पे रखो तो दोनों में ये चीजें हैं, तो अगर मैं सिंपली ये सी बेटा, दिस वन इज ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों में है, तो दोनों में मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। मेरा बेटा व्हाट इज दिस, के क्यू पी क्या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे बेटे एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू फोर ए बी,
ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देख लो सिंपली, दिस वन इज कैंसिल आउट, अगेन कितना है, फोर ए बी, सिंपल। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि ये फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट याद कर रहोगे तो थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा। ओके फाइन, के क्यू पी कैप, नाउ इसकी जगह डायरेक्ट लिखते हैं, तो 4 इंटू एक्स इंटू ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या अच्छा, इस 4 को मैं अपन 2 इंटू टू भी लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ बिल्कुल सर, 2 इंटू टू भी लिख सकते हैं। सोच मेरा बेटा, व्हाट इज दिस, क्यू टू ए, क्या पी हो गया क्या, क्या पी हो गया क्या? अरे वाह, तो व्हाट इज दिस, ई एक्सियल हो जाएगा 2 के पी डैश, अब पी वेक्टर पी बाद में इसको लगाते हैं अपन, एक्स पी कैप अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला तो ये हो गया मेरा बेटा, नोट कर लो तो फिर मैं आगे देता हूँ, नोट कर लो, हो गया क्या, बहुत आसान है, इजी है। जैसे ये फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अब तुम कहोगे सर अरे मैंने तो ऐसा नहीं देखा था, तो देखा कैसा था, मैं आपको बताता हूँ फटाफट, पहले इसको नोट कर लो। ओके, रब कर दो क्या, एक साइड रब कर दो, अच्छा वेरी गुड, देख मेरा बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने देखा क्या, हियर x इज टू मच ग्रेटर देन a, हियर x इज मच ग्रेटर देन a, तो वी कैन सिंपली निग्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ a, e एक्सियल 2 के पी बाय के पी एक्स बाय x टू द पावर 4 पी कैप, दिस वन इज कैंसिल आउट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 2 के पी बाय एक्स क्यू विच इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय एक्स क्यू, दिस वन इज द वैल्यू, दिस वन इज द फाइनल वैल्यू एक्सियल लाइन पे, नोट, दिस वन इज द फाइनल वैल्यू। इजी वे, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अपने को मेंटेन रखो, इजी है मेरा बच्चा। ओके, रब करूं क्या, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सिंपल आपको मिल गया। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, डायरेक्शन मैं आपको यहां पे बता दूं। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, टुवर्ड्स राइट, इसकी वजह से किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अब यू थिंक कि इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो याद रहे कि आप यहीं से सिंपली पकड़ना कि जो राइट साइड की सेपरेशन है उसका सेपरेशन कम है, तो नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो डायपोल का भी डायरेक्शन वही होगा जिधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और वैसे ही मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा, चाहे आप इधर निकालो चाहे उधर निकालो, मतलब इस साइड रखो चाहे इस साइड रखो, एक्सियल लाइन में, ये वर्ड सुनना कि एक्सियल लाइन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। लिसन, मैं लिख दे रहा हूं, द रिजल्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ resultant electric field at an axial line
ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, along direction of dipole moment. Simple, मतलब जिस direction में हमारा dipole moment होगा, resultant electric field ये जो आएगा वो उसी direction में रहेगा, मतलब इसका किधर से हो जाएगा, right side towards right. Right direction में रहेगा, ठीक है, towards left नहीं होगा, towards right. Okay, fine. चल मेरा बेटा, नोट कर लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी समझदार हो गए हो. चलो ठीक है, रब कर दूं क्या? वेरी गुड, सिंपल ना बेटे. केस नंबर टू, केस नंबर टू, सिंपल केस नंबर टू. इक्वेटोरियल, ओके भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन, केस नंबर टू. ओके सिंपल, दिस वन इज ऑल्सो सिंपल केसेस. ये जैसे अभी वन ऑफ देम, जैसे पहले केसेस अभी आपने पढ़े, वैसे ये भी बहुत सिंपल है. एक पढ़ा, दूसरा अब आप देखिएगा, बहुत सिंपल मेरा बेटा. देख, डायपोल की बात करें तो अपन तो दो प्लस क्यू माइनस क्यू लग दिया, ठीक है. इक्वेटोरियल पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, परपेंडिकुलर सेपरेशन, ठीक है. ओके फाइन. अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमें डेरिवेशन याद नहीं हो पाता, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हम यही चीज करें, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं मिलता. तो मैं आपको आज यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं जिससे आपको ये याद हो जाए मेरे बेटे. थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आसानी से ये समझने में भी होगी. और देखना कैसे इजी मैं बनाता हूँ आपको. सपोज करो मैं, मुझसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल तो मतलब अपने फर्स्टली डायपोल बना दिया, सेम सेपरेशन. अच्छा ये भी बना दो, कहते तो सर अभी कहाँ बनाया पूरा, ये भी बना दिया, लो बना दिया, कोई बात नहीं है. ओके भाई, मान चलो ये पॉइंट था डी, ठीक है. ओके ए बी लाइक दिस, ठीक है. अब इक्वेटोरियल था तो इक्वेटोरियल के यहाँ 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 तो हो नहीं सकता, या तो इधर या तो नीचे, ठीक है. तो अपन इसे जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब आप कह सकते हो ओरिजिन से जो लाइन ड्रॉ होगी वो इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, कि आप चाहे जहाँ मिला लो, ठीक है. हाँ ठीक है, ओके. अब सीखो मेरा बेटा, इस पॉइंट सी पर लेट्स सी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है, एक्स. ओके, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपने कहा है सर दिस डायरेक्टेड आउटवर्ड. ओके, ई प्लस क्यू की वजह से. ओके फाइन, ई माइनस क्यू की वजह से किधर होगा? टुवर्ड्स दिस अब अगर मैं कहूं मेरे बच्चे इक्वेटोरियल पॉइंट है तो दिस थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा. सिंपल, आप कहोगे यस वेरी सिंपल. सोच मेरा बेटा, एक वेक्टर इधर दूसरी इधर, व्हाट इज रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन? सिंपली समझो तो अगर मैं आपसे कहूं हियर ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यू कैन से दैट यस सर इजिली दिस और दिस डिस्टेंस इक्वल है, आईसो स्केल से वैसे भी इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल होगा. मेरे बेटे दिस वन इज थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा, व्हाट इज दिस? ई क्यू कॉस थीटा. सुनिएगा समझिएगा, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा ऑल्टरनेट, दिस वन इज द करेस्पॉन्डिंग ई माइनस क्यू, दिस वन इज ऑल्सो कॉस थीटा. मीन्स इस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड दिस, वेयर एज डायपोल इज डायरेक्टेड दिस.
So you can simply say that for equatorial point, the resultant electric field and dipole moment is opposite to each other, means anti-parallel to each other. यहीं से क्लियर हो गया. मैं आगे चल के आपको बताया था, वो उससे बेहतर था कि आपको यही क्लियर हो गया कि क्या कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके फाइन. नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल क्या, ड्यू टू वन बाई वन एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, वन बाई वन पहले दिखा दे, एक साथ दिखा दूं क्या, नहीं वन बाई वन ही दिखाएं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए. ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी. ओके फाइन. तो व्हाट इज ई प्लस क्यू, हालांकि मैं आपको एक साथ बताता तो उससे भी आपको समझ में आ जाता. ई प्लस क्यू व्हाट इज दिस, के क्यू बाई दिस सेपरेशन, What is this? X square plus a square. Under root है, square है, हट जाएगा. अब आपका हो गया सर, आप यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लिए, उसका कॉन्सेप्ट है. क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो इसके कॉम्पोनेंट पे डिपेंड कर रहा है. और मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई है, फिर से क्लास इलेवेंथ में भी बताया था, यहाँ फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कॉम्पोनेंट कभी वेक्टर नहीं होता. किसी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट मींस कॉस और साइन के फॉर्म में जब अपन उसे रिजॉल्व कर देते हैं तो वो कभी वेक्टर नहीं होता, यानी वो हमेशा स्केलर होगा. तो इस वजह से हम इसे स्केलर के फॉर्म में निकालेंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट सी, मेरा बेटा ई माइनस क्यू की वजह से, ये अगेन के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम आएगा. हाँ, वहाँ पे साइन इसलिए कंसीडर किया गया था बिकॉज अलोंग द डायरेक्शन बोथ आर ऑपोजिट टू इच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में. तो अगर मैं इसे वन मानूँ, इसे टू मानूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से सेम होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब दिखा दे रहा हूं, एट एन इक्विटोरियल पॉइंट. सीखना इक्विटोरियल पॉइंट क्या होगा मेरे बेटे, चलो सीख लेते हैं इक्विटोरियल पर. ई सी मेरा बेटा, नेट ई इक्विटोरियल का कितना हो गया, तो जितना इसका उतना इसका, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो वी कैन इजीली से दैट टू ई क्यू कॉस थीटा. ओके, यू नो वेरी वेल व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू, वन बाई टू इक्विटोरियल टू, कितना है इक्यू की वैल्यू, तो आपने बोला सर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ. बेटा अगेन 2q and a क्या हो जाएगा, तो यू कैन सिंपली से दैट सर p, तो e इक्विटोरियल मस्ट बी इक्वल टू के पी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस पर पावर कितना है 1, और इस पर पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2, 3/2. हाँ सिंपल. नाउ इफ ये रिजल्ट तो हो गया मेरा बेटा, बट हियर एक्स अगेन मच ग्रेटर देन ए, ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं,
तो ए नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, लिसन केयरफुली, ये बात न्यूमेरिकल करते समय हमेशा दिमाग पे रखे रहना, याद रखना मेरे बच्चे, बार बार बोल रहा हूं, ये न्यूमेरिकल में जैसे, वेट थोड़ा सा एक बात समझ लेना, कि ये न्यूमेरिकल में जैसे मैंने अप्लाई किया तो अपन इसे लिख दिया इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया, के पी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस वन इज कैंसिल आउट, ई इक्वेटोरियल हो गया के पी अपॉन एक्स क्यूब, वट इज के 1/4π ε0, दिस वन इज ऑल्सो 1/4π ε0 पी बाई एक्स क्यूब। लिसन केयरफुली मेरे बच्चे, मैंने आपसे ये कहा कि ये वाला फॉर्मूला तभी हम इस्तेमाल करेंगे, तभी इस्तेमाल करेंगे जब एग्जैक्टली एक्स इज मच ग्रेटर देन ए हो। मींस अगर मान के चलो कि जैसे सपोज करो ये मिलीमीटर में है और इसको हम 4, 5, 10 meters में पूछ ले, तो वास्तव में ये डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो जाएगी, तभी आप ऐसे केसेस पे निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर कहीं ये सेंटीमीटर की गैपिंग हो, ये भी सेंटीमीटर में पूछा जाए, तब आप उसे नहीं निकाल सकते। मतलब आपको एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल में शो भी होता रहे कि हकीकत में ये डिस्टेंस जिस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस डायपोलिक डिस्टेंस से मैक्सिमम ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, मच ग्रेटर देन होगा, तभी आप ऐसे केसेस में अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला। अदरवाइज यही फॉर्मूले को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये इसलिए मेरा बच्चा, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये एक कंडीशन है, ये जो मैं आपको बोलता हूं ना कि एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ये कंडीशन है। जब ऐसे कंडीशन पर हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा उसी केस में ये इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज सिंपली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा बट करना यही होगा, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमें ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम में सीन होगा, गिवन होगा कि x इज मच ग्रेटर देन a, मतलब जिस पॉइंट पर मुझे निकालना है। फिर से बोले जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ बार बार मेरे बातों को बच्चे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना कि तभी इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करेंगे जब एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस डायपोलिक नेचर से, इस डायपोलिक डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ओके फाइन, नोट कर लीजिएगा, ये था केस नंबर सेकंड। अब ये तो समझ में आ गया, आपके दिल दिमाग में आ गया, सर हमें एक्सियल लाइन पे निकालना आ गया, हमें इक्विटोरियल लाइन पे निकालना आ गया, लेकिन अगर बाई द वे हम ना एक्सियल हो ना इक्विटोरियल हो, उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सो नाउ अगेन वन मोस्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ओके, नोट कर लेना, तो फिर मैं अगला बताता हूं। ओके मेरा बेटा, आई होप हो गया होगा। ओके फाइन, केस नंबर थर्ड। अच्छा एक चीज बताऊं बेटा, कि ये जो केस नंबर थर्ड है ना, इसे अगर आप सीख गए ना, 4 लाइन का 5 लाइन का केस है, सिर्फ 4 से 5 लाइन का, सिर्फ मैं लिख के कह रहा हूँ, 4 लाइन से ज़्यादा ये केस, 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, और 5 लाइन में पिछले जो 2 केसेस हैं वो आपको एकदम चुटकियों में आ जाएंगे, देखना कैसे, मतलब ये ट्रिक है तुझे सिखा रहा हूँ, केस नंबर थर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, सी मेरा बेटा, काम की बात सीखो, ना एक्सियल ना इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल से हटके हम सीखते हैं, सी मेरे बेटे। ए और बी दो पॉइंट, माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट, दिस वन इज द डायपोलिक डिस्टेंस। अच्छा इसके पहले वाले केस में आप नोट कर लिए थे ना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, वो नोट कर लेना कहीं, ठीक है, हालांकि बता दिया था लेकिन नोट कर लेना। नाउ दिस वन इज बी, राइट, ओके फाइन, मैंने कहा मान के चलो मुझे इस पॉइंट पर, मेरे बेटा ये बी का डायरेक्शन है, खैर कोई बात नहीं, ये डी था,
इस सी पॉइंट पर, अब देखो ना मैं परपेंडिकुलर पे रख रहा हूं ना मैं इस लाइन पे रख रहा हूं, सी मुझे इस पॉइंट पर निकालना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना था, एक्स डिस्टेंस पर क्या निकालना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, मैं इस एंगल को मान लिया, इस एंगल को मान लिया अल्फा, कितना मान लिया अल्फा सी, खूब अच्छे से समझना, इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। ओके फाइन, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है, हमने कहा दिस सेपरेशन इज ए, दिस वन इज ऑल्सो ए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टू ए, फाइन। मैंने क्या किया क्या बेटा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिया, ये जो लाइन ड्रॉ थी ये, इस पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया, लिसन केयरफुली, परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस एकदम, उसे ओरिजिन मान लिया और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। थोड़ा सा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एम एन कुछ भी, ठीक है। अब थोड़ा सा सी, इस परपेंडिकुलर लाइन से इस चार्ज पर एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और एक इस पर किया, सुनना मेरे बेटे, अब ये जो एक्सिस थी इसको भी मैंने मैंने कहा मैंने बैक कर लिया है, तो इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से डाला और इस पर एक इधर से ड्रॉ किया। सी बेटा बहुत अच्छे से समझना, आप काम की बात सीखना, बड़े काम की चीज आ रही है। जो चार्ज यहां है इस एक्सिस पर, उस चार्ज को अगर हम यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इस चार्ज को इसी एक्सिस पर यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सेम सेपरेशन है, राइट। तो ये यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रही है ना मेरी बात। दूसरी, यही चार्ज को यहां रख दूं और इसी चार्ज को यहां पे कंसीडर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे, सोचो पी का डायरेक्शन इधर है, पी का डायरेक्शन इधर है, ये पी है, वेक्टर पी है, तो इस पी का एक कंपोनेंट इस पर आएगा, बिल्कुल आएगा, इस पी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लिया पी वन विच इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर को जाएगा, कौन, पी टू विच इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, फाइन। सीख मेरा बेटा, क्या मेरे बेटे, बस इतना सीखना कि जब ये दो चार्ज यहां माने जाएंगे इस वाली लाइन पर, हमें निकालना सी पर ही है, जब दो चार्ज इस वाली लाइन पे माने जाएंगे तो इस, सपोज करो यहां माइनस क्यू हो जाए और यहां प्लस क्यू हो जाए, तो इन दोनों की वजह से ये डायपोल बना रहा है पी वन, हाँ बना रहा है, बिल्कुल पी वन बना रहा है। पी वन मतलब मैंने कहा इस एक्सियल, ये क्या एक्सियल लाइन है, क्या इन दोनों चार्जेस के लिए ये डायपोल की एक्सियल लाइन है, क्या एग्जैक्टली एक्सियल लाइन है, और ये डिस्टेंस क्या है, सी है, ये डिस्टेंस क्या है, सी है, तो क्या इधर का जो डायपोल कंसिडर होगा वो पी वन या पी कॉस अल्फा कंसिडर होगा, हाँ बिल्कुल कंसिडर होगा। तो सोचो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर होगा, तो आपने कहा था कि अगर ये माइनस क्यू या प्लस क्यू तो इधर की ओर ही डायरेक्टेड होगा, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, पी वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो इवन। ओके फाइन, आ जाओ इस पर, क्या अगर मैं इसको इधर करूं मेरा बेटा और इसको इससे ज्वाइंट करूं, आप बताओ क्या ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू हो तो ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है क्या, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती थी, तो आप बताओ एक इधर और ये इधर, तो रिजल्टेंट क्या इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्या, ये रफ कर दूँ, नोट तो कर ही ली होगी, ये रफ कर देना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू, और इस ये किस डायपोल के अकॉर्डिंग हो रही है, पी टू के, क्योंकि पी टू का डायरेक्शन इधर को है, देखो पी टू का डायरेक्शन इधर को है, तो पी टू मतलब इसके साथ वो कौन सा बनाएगा, क्या पी साइन अल्फा। ओके फाइन, दिस वन इज ई वन और ये ई टू, क्या दोनों 90 डिग्री पर हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई, फाइन। मैंने कहा वहीं से देखना,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? एट एनी पॉइंट, जिसे आपने बोला सी, सी सी पर जहां निकाल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब मैंने आपसे कहा था ई वन, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सियल। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp बाई एक्स क्यूब, लेकिन p की जगह यहां पे क्या लिखा जाएगा? p1 होल स्क्वायर। और ये इसका क्या हो जाएगा? kp 2, क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए सेकंड है और सेकंड का इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? p2 अपॉन अगेन एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ओके फाइन, 2 की जगह 4k, व्हाट इज p1? 4k स्क्वायर p1 इज p cos अल्फा, p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन x की पावर 6, हाँ 3 2 6, और ये हो जाएगा प्लस, ऐसे लिखे रहते हैं, x क्यूब का होल स्क्वायर, आपको आसानी होगी समझने में, k स्क्वायर, व्हाट इज p2 इज इक्वल टू p sin अल्फा, p स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अगेन x क्यूब का होल क्यूब। कॉमन ले लो बेटा, देखना k स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन x क्यूब कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट इन ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, हो गया मेरा बेटा? तो देख यही बता दे रहे हैं, e की वैल्यू नेट कितनी आ गई, ये बाहर kp अपॉन x क्यूब, kp अपॉन x क्यूब बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर, दिस वन इज योर। अब तुम कहोगे सर चलो ठीक है, 4-5 लाइन में आप इसे बता तो दिए, इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? आओ पहले नोट कर लो तो बेनिफिट बताता हूं, पहले नोट कर लो, फटाफट नोट करो तो मैं बेनिफिट बताऊं। हो गया है, नोट करो। देखो मैं एक काम की बात बताता हूं मेरा बच्चा, चलो नोट करते रहना, मैं ऊपर बता देता हूं। इसका पहला केस, पहला पॉइंट, अगर मैं कहूं एट एक्सियल लाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए, अब अगर आप पूछोगे ना कि वो ये जो अल्फा एंगल था, अल्फा किसके किसके बीच में है, तो इस एक्स पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है और डायपोल मोमेंट के बीच का, याद रहे अल्फा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन एक्स एंड डायपोल मोमेंट पी। तो एट एन एक्सियल लाइन, अब सोचो एक्सियल लाइन क्या होगा, जब यही सी, मेरा बेटा सीखना, ये जो सी था, ये जो सी यहां पे है वो एकदम नीचे आ जाए, तो जब नीचे आ जाएगा तो सोचना मेरे बेटे, ये एक्स सेपरेशन थी और ये डायपोल की डायरेक्शन है, ये एक्स का डायरेक्शन है, तो अगर ये पी पर आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0। एक्सियल लाइन पर अल्फा 0, मेरा बेटा अल्फा 0, व्हाट इज ई? केपी अपॉन एक्स क्यूब 4 कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0, ये 0, ये 1, 4 का 2, तो एक्सियल लाइन पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 केपी अपॉन एक्स क्यूब, यही आया था क्या? अरे यही आया था क्या? सिंपल सोचना मेरा बेटा, अगर मैं आपसे यही कहता, सेकेंड पॉइंट, एट इक्विटोरियल
इक्विटोरियल मतलब क्या होता है बेटा? अभी ऐसे था, पी इधर को है, एक्स इधर को है, इक्विटोरियल का मतलब तब होता जब ये ऐसे हो जाता, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती 90 डिग्री। और सोच मेरा बच्चा, जब यहाँ 90 रखा जाता तो ये पूरा जीरो, यहाँ 90 रखा जाता तो ये क्या हो जाता वन, तो ई इक्विटोरियल क्या होता, के पी अपॉन एक्स क्यूब 4 कॉस स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90, दिस वन इज वन, दिस वन इज जीरो, तो ई इक्विटोरियल कितना आ जाएगा, के पी अपॉन एक्स क्यूब वाले। अब अच्छा, दोनों में एक रिलेशन देख लेना मेरे बेटा, केस नंबर थर्ड। थर्ड क्या हो रहा है, एक्सियल टू टाइम्स ऑफ दिस हो रहा है, इक्विटोरियल दिस हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी बाय ए एंड बी क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल, दिस वन इज, ठीक है। खैर, तो ये एक एनी पॉइंट के थ्रू था, इज इट क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया मेरा बच्चा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग एक छोटा सा इसका टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल के हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स सीखेंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो आज के लिए इतना, कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता था बेझिझक एक बार मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा कमेंट में, और फिर हम इस पर आपको न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा लेक्चर आप देखते रहिएगा, कुछ मैं आपको मतलब अच्छे कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़ा सा कह सकते हो ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस नीट के बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपका क्लियर कराया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसी से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना सीखेंगे, और तो ठीक है, थैंक यू सो मच।